करी पत्ता है एक कड़ी, दो पत्ते हैं, तेज पत्ता, ये सूखी मिर्ची है, दो स्पून ज़ीरा है, 6 इलायची है और ये 6 लौंग है। मैं इनको फ्राई करूँगी और काली मिर्च पाउडर भी थोड़ा ऐड करूँगी फ्राई होने के लिए। भुना हुआ मसाला है ये, 2 स्पून काली मिर्च पाउडर है। इनको भुन के पीस के पाउडर बनाऊँगी। बनाऊँगी चिकन, इसके लिए ली हूँ मैं 2 डली प्याज और ये स्पून से 4 अदरक लहसुन पेस्ट 4 स्पून और ये रहे टमाटर। अब मैं इस ऑनियन को छील के इसका पेस्ट बनाऊँगी पीस के और टमाटर को भी पीस लूँगी। फर्स्ट इस मसाले को भून चुकी हूँ। सूखी मिर्च है, करी पत्ता है, कड़ी, 2 पत्ते तेज पत्ता है, 2 स्पून ज़ीरा है, काली मिर्च पाउडर है और इलायची और लौंग है। इनको भुनी हुई हूँ और पीस लूँगी, इसका पाउडर बनाऊँगी। मैं ये स्पून से 1 स्पून ऑयल लेके हूँ। हुआ प्याज है, ये प्याज का पेस्ट तो अच्छे से फ्राई हुआ है। अब मैं अदरक लहसुन और टमाटर डालूंगी। मैं प्याज का पेस्ट तो 2 फ्राई कर ली थी प्याज को, अब टमाटर और अदरक लहसुन डाली हुई हूँ। मैं 2 स्पून मिर्ची पाउडर लेके हूँ, हल्दी पाउडर 1/2 स्पून लेके हूँ, 1 स्पून धनिया पाउडर लेके हूँ। अब मैं चिकन डालूँगी। ये रहा भुना हुआ मसाला जो मैंने फर्स्ट में वीडियो में भुना हुआ है, वही है ये। भुन के इसका पाउडर बना के हूँ। अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। ये रहा नमक का पानी। मैं सीटी लगा दी, बस 1 सीटी दूंगी चिकन को, बस 1 आधा नींबू ऐड करूंगी बाद में।